भीष्म पितामह 10 दिन तक सेनापति रहे, रोज हजारों सैनिकों को मार देते, नष्ट कर देते। 10वें दिन दुर्योधन ने ताने मारे, उलाहना दिया, पितामह आप चाहते तो एक दिन में पांचों पांडवों को मार सकते थे, 10 दिन से सेनापति हो, आपने एक भी पांडव नहीं मारो, आप हमको धोखा दे रहे हो। जैसे ही पक्षपात को दोष लगाया दुर्योधन ने, पितामह को क्रोध आ गया। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन कल के युद्ध में या तो मैं ही नहीं रहूंगा या पांचों पांडव ही नहीं रहेंगे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, पांडव सेना में हाहाकार मच गए। और सबकी बात छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम वृंदावन बिहारी द्वारकानाथ श्री कृष्ण, मारे चिंता के भगवान को नींद नहीं आई, रात के 12 बज गए, प्रभु को सोचते सोचते क्या करूं। रात के 12 बजे भगवान को अपने भक्तों की ध्यान आई, अरे बाबा मुझको इतनी चिंता हो रही है तो मेरे भक्त पांडव हो सकता है बेचारे डर के मारे प्राण ही निकल गए। जो भक्तों की याद आई दौड़े, सबसे पहले अपने प्रिय अर्जुन के कक्ष शिविर में पहुंचे, आवाज लगाई, अर्जुन ओ अर्जुन। अर्जुन तो गहरी नींद में हो, खर 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 के सो रहे हो, जाके अर्जुन को जगाया, अर्जुन सुनता नहीं है, आंख मलतो भयो, अर्जुन उठ के बैठ गयो, प्रभु अर्ध रात्रि को जगा दियो, रात में चैन से नींद भर के सोएंगे नहीं तो फिर दिन में आलस आवेगा ना। अरे भगवान बोले तुझे नींद आ रही है, तूने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा नहीं सुनी क्या? हाँ प्रभु सुनी तो क्या करूं, अरे क्या करूं, तुझे चिंता नहीं है? अर्जुन बोला, प्रभु जब मेरी चिंता करने वाले आप आधी रात्रि तक जाग रहे हो तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी चिंता करने से तो कुछ होएगा नहीं, मुझे सोने दो, आपको जो करना है सो गए। सब पांडवों के पास गए, सबने कह दी, प्रभु आप जानो आपका काम, जानो आप चिंता कर रहे हो तो हमें क्या करें। भगवान ने विचार किया, उन पांडवों को तो चिंता नहीं है पर इनकी पत्नी द्रौपदी हो सकता है बने तो प्राण ही त्याग दिए हों। जाके गए, द्रौपदी भी सो रही थी, जगायो, द्रौपदी हाँ प्रभु तुझे चिंता नहीं, अरे प्रभु आप तो, अरे तुम तो सब लोग एक ही बात रट लेनी है, द्रौपदी अब समय ज्यादा नहीं है, अब चिंता से काम नहीं, अब चालाकी से काम करना पड़ेगा। भगवान समझाने लगे द्रौपदी, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 3 बजे स्नान करके और भीष्म पितामह आसन पर बैठ के हाथ में माला लेके ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। दुर्योधन की पत्नी भानुमती 5 बजे प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए रोज जाती है, आज 1 घंटे पहले 4 बजे तुझे ले जाऊंगा। पितामह के चरणों में मस्तक रखती हो, कितना भी आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, तू मस्तक मत हटाइयो, ठीक है? हाँ प्रभु ठीक, समझा के। और महाराज काली कमलिया ओढ़ के आगे आगे द्वारकानाथ श्री कृष्ण, पीछे पीछे पांचाली द्रौपदी, पंजाब की थी, चमड़ा की ढीली ढीली जूती पहन रखी थी, चलने में फट 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 आवाज हो रही थी। जैसे ही कौरव शिविर में प्रवेश किया, प्रभु श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी तेरी जूती फटफट फटफट आवाज कर रही है, कौरव शिविर आ गया है, सैनिक सुनेंगे तो पकड़ लेंगे, उतार पादुका। द्रौपदी ने जैसे ही पादुका उतारी है, प्रभु ने उठा के दोनों बगल में दबा ली, नहीं कोई पहचान ना जाए द्रौपदी की पादुका कैसे आई। भगवान इसीलिए महान है, निरभिमान है, भगवान को बिल्कुल अभिमान है, अपने भक्तों की पादुका उठाने में भी प्रभु को बिल्कुल संकोच नहीं हो गया। पहुंच गए भीष्म पितामह के शिविर के बाहर, द्रौपदी को इशारों कर दिया अंदर जाने को, स्वयं बाहर एक कोने में खड़े हो गए, कारी कमरी ओढ़ रखी है, द्रौपदी ने जाकर पितामह के चरणों में मस्तक रखो है, नेत्र बंद किए किए हाथ में माला लिए लिए पितामह ने, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। भगवान ने सिखा के भेजो तो पहले ही, कितना भी आशीर्वाद दे माथा मत हटाना। द्रौपदी ने मस्तक नहीं हटायो, दोबारा से आशीर्वाद दियो सौभाग्यवती भव, फिर भी मस्तक नहीं हटायो, 5 बार 10 बार 20 बार आशीर्वाद दियो, बुढ़ापे में गुस्सा आ जाती है। इस पितामह बोले,
तने मेरे बुढ़ापे के पामन में भी सिर को माथो रख दियो, कितने बार आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, माथो हटाना पैर दुख गए। द्रौपदी बोली पितामह, हाथ में माला लेकर आसन पर बैठ के और ये प्रातःकाल भजन करते समय झूठा आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती भव, आगे को वाक्य अपूर्ण छोड़ दियो, हमारे तू पतियों को मारने को संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की मेरे लिए सौभाग्यवती भव। पहचान गए द्रौपदी की वाणी, द्रौपदी तू कैसे आई है, आसन से उठ के खड़े हो गए, तू अकेली नहीं आ सकती, तेरे लाने वाला कहाँ है, हाथ से माला रख देनी है। दौड़े हैं शिविर के बाहर कोने में, काली कमलिया ओढ़ के खड़े हुए प्रभु के, जैसे ही कमली खींची है भगवान गोल गोल घूम गए, घूमने से दोनों पादों का टप करके गिर गई। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के पूछने लगे, प्रभु मैंने तो सुना था वृंदावन में चुंदरी मुंदरी चुराते थे, माखन मिश्री चुराते, ये काम कब से शुरू कर दियो, बगल में दबा रखे। भगवान थोड़ा बनावटी क्रोध करते भाई कहने लगे, मैं चाहे पादुका उठाऊं चाहे झाड़ू लगाऊं, आपको मेरे भक्तों को मारना ना, करो करो प्रतिज्ञा करो। हंसी आ गई पितामह को, मैंने प्रतिज्ञा की थी पांडवों को मारने की, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बस फीस पितामह बोले, प्रभु आपके भक्तन को बाल भी बांको नहीं होएगा, आप तो केवल एक बार अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे सामने युद्ध भूमि में आ जाना, मैं आपको वचन दे रहा हूं मैं अस्त्र शस्त्र को फिर हाथ नहीं लगाऊंगा, आप मुझे मरवा दें। भगवान बोले, पितामह मैंने तो महाभारत के युद्ध से पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। भीष्म पितामह बोले, तो आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आज के युद्ध में प्रभु आपको शस्त्र धारण करा दूंगा। आज जो तुम ही न शस्त्र आज युद्ध भूमि में बताएंगे। सूर्योदय होते ही भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र लेकर रथ में बैठ कर जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचे हैं, भगवान भी अर्जुन को लेकर भीष्म पितामह के सामने पहुंच गए। अर्जुन को देखते ही भीष्म पितामह ने भगवान से कही, प्रभु ये अर्जुन आपको भी प्रिय शिष्य है और मेरा भी प्रिय है, और पांडवों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप चाहो तो अर्जुन को लेकर युद्ध भूमि से भाग जाओ। ओ कृष्ण संतन सुखदायक, नहीं रण अर्जुन मेरे लायक। अर्जुन बोला, पितामह आप ये मत सोचो कि मैं आपको बूढ़ा समझ के छोड़ दूंगा, अरे बच्चा नहीं हो, युद्ध करके देखो, घोर युद्ध प्रारंभ हो गया हो। भीष्म पितामह में और अर्जुन में परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह ऐसे अस्त्र शस्त्र को प्रहार कियो, अर्जुन के अस्त्र शस्त्र कवच सब नष्ट हो गए। आके एक बाण बक्ष में लगो, अर्जुन के रक्त की धार जैसे ही भगवान के ऊपर गिरी है, भगवान ने पीछे देखा, अपने भक्त अर्जुन की आज ये दशा देखी, भगवान भूल गए प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, बुढ़े आज मेरे भक्त को मार ही देगा क्या, घोड़ाओं की रस्सी हाथ से छोड़ दी, धड़ाम से रथ से कूदे हैं, एक रथ को टूटो भयो भैया सामने पड़ो हो, उठा के जैसे ही दौड़े हैं पृथ्वी कांप गई, प्रभु आज आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दोगे, प्रतिज्ञा में रहने वाले सूर्य चंद्र आसमान समुद्र पर्वत सब प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। भगवान बोले, पृथ्वी किसी ने देखा नहीं ना, तू ना देखो है, ले मेरे पीतांबर की पट्टी अपने आंखों पर बांध ले, तू भी मत देख, भक्त की रक्षा करनी है। अपने पीतांबर को पृथ्वी को उड़ा के भगवान दौड़े हैं, और जैसे ही भीष्म पितामह के सामने पहुंचे हैं,
पितामह ने आज भगवान के ये स्वरूप के दर्शन किए, अस्त्र शस्त्र रख दिए, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। अब ध्यान आयो भगवान को, ये मैंने जल्दी में क्या कियो, बात बनाने में बड़े चतुर बात बनाने लगे। पितामह कहां प्रतिज्ञा टूटी, मैंने कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में थोड़ी लियो है, न तलवार है न गदा है न धनुष बाण है, ये तो रथ का टूटा हुआ पहिया है। विश्वतामा बोले प्रभु मौके पर तो ईंट भी एटम बम का काम कर जाती है, ये तो इतना बड़ा रथ को पहिया वो बुढ़े के माथे मार देते, गोविंदाय नमो नमः हो जाती। भगवान धीमे से बोले पितामह आज मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती है। आज बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह अंतिम समय भगवान की वही लीला याद कर रहे हैं। भगवान रथ से कूदे हैं, पीतांबर फहराया है, रथ का पहिया उठाया है, दौड़ लगाई है। बापट पीत की फहरान, बापट पीत की फहरान, कर धर चक्र चरण की धावन, कर धर चक्र चरण की धावन, नहीं विसरत भगवान, नहीं विसरत भगवान, बापट पीत की फहरान, बापट पीत की फहरान। ऐसा सोचते सोचते आज भीष्म पितामह ने अंतिम श्वास ली है, सोंतः श्वास उपारवत। भीष्म पितामह भगवत धाम में पधारे हैं, भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने पितामह के समस्त संस्कार किए हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर विराजमान भए हैं। चकार राज्यम धर्मेण पितृपयेतामहं।